हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम पे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन गिवन है, एक्स इक्वल टू 5 - √3/5 + √3 एंड वाई इक्वल टू 5 + √3/5 - √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देख करके ये नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, अगर हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है, तो अगर इसको इसको ओपन कर दें तो क्या आएगा, एक्स माइनस का वाई आएगा एंड एक्स प्लस का वाई आएगा। यस आर नो, ऐसा कुछ आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमने आइडेंटिटी को अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस का वाई वन ब्रैकेट एंड एक्स प्लस का वाई अदर ब्रैकेट। एक्स के प्लेस पे वैल्यू को पुटअप करना है 5 - √3/5 + √3। ओके, एंड माइनस करना है पहले में 5 + √3/5 - √3। ओके, विद इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में आपको सेम वैल्यू वही पुटअप करना है, बट प्रॉब्लम क्या है, वैल्यू तो सेम वही पुटअप करना है बट मिडिल में साइन प्लस का है। मिडिल में साइन कैसा है, प्लस का है। ठीक है, ये आ गया तो 5 - √3 आ जाएगा। ओके, अच्छा देखो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, ये एक प्लस में है, दूसरी माइनस में है। मतलब यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला अगेन यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस जब ऐसा कभी डिनोमिनेटर में दो फ्रैक्शन में सेम वैल्यू हो और साइन अपोजिट नेचर का हो, तो डायरेक्ट हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 5 + √3 वन ब्रैकेट एंड 5 - √3 अदर ब्रैकेट, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, जैसे ही 5 + √3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा। जब ये बचेगा तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5 - √3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस और नो, माइनस 5 - √3 से 5 - √3 कैंसिल हुआ, 5 + √3 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये फिर ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ध्यान रखिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर सेम है, यहाँ पे जो सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है सेम है, तो 5 + √3 एंड 5 - √3 ये आ जाएगा, एंड 5 + √3 से 5 + √3 कैंसिल, 5 - √3 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्लस का साइन लगा हुआ तो प्लस लगा देंगे, 5 - √3 से 5 - √3 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 5 + √3, तो 5 + √3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करना है, ये कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो ब्रेकेट में लिखा हो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, एंड √3 का स्क्वायर 3 आ गया, 5 × 2 = 10, 10 √3 ब्रेकेट क्लोज। ठीक है, एंड माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर 25 + 3 एंड प्लस का 10 √3 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 - √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ये फर्स्ट ब्रेकेट की कहानी है। सेकेंड ब्रेकेट में सेम आ जाएगा, 25 + 3 और माइनस का 2ab 25 + 10 √3 आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे सेकेंड ब्रेकेट में 5 का स्क्वायर 25 √3 एंड 25 + 10 √3 आ जाएगा। अपान में क्या होगा बेटा, अपान में 25 - 3। ओके, क्लियर बात करी, यस आर नो, 25 - 3। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब मैं विद इन फर्स्ट ब्रेकेट में वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, तो 28 - √3 आएगा, और देखो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, ये 28 आएगा तो माइनस का 28 हो गया, ये प्लस का 10 √3 तो ये माइनस का 10 √3 हो गया। ठीक है, अपान में यहाँ पे 25 में से 3 निकाल दो, 25 में से जैसे 3 निकालो कितना बचेगा, 22 बचेगा, कितना बचेगा बेटा, 22 बचेगा। क्लियर है बात कि नहीं, यस आर नो, ये 25 - 3 कितना आएगा, 22 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 28 एंड माइनस का 10 √3 ये, और ये आपका 28 प्लस का 10 √3 अपान में क्या आएगा, ये भी 22 बचेगा। ठीक है, इतनी सी बातें क्लियर हो रही नहीं हो रही? अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, 10 √3 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 28 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 10 और 10 क्या आएगा, दिस इज द माइनस का 20 √3 आएगा, 20 √3 अपान में 22, यहाँ पे कितना आएगा, 28 + 28 दैट इज 56 आ जाएगा, अपान में 22 आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं भाई, 28 यहाँ से और 28 यहाँ से, तो 28 + 28 कितना आ गया, 56 आ गया। अब देखो यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, 2 10 जा एंड 2 11 जा। ठीक है, एंड यहाँ से भी देखो कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 8 जा 16 एंड 2 11 जा। ठीक है, तो फाइनली कितना आएगा, माइनस का 10 √3 × 28 अपॉन में 11 × 11 दैट इज़ 121 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से क्या आएगा,
इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 280 वो भी निगेटिव का रहेगा रूट थ्री अपॉन में 128। दिस इज़ द फाइनल आंसर, दिस इज़ द फाइनल आंसर, मतलब माइनस का 280 रूट थ्री अपॉन में 121, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात करिए सर नो। तो प्रॉब्लम को थोड़ा सा हमको उसको ब्रेक कर देना है, और ब्रेक कर देंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो मतलब जब भी अगर सिंपल सा एक सिंगल टर्म का भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। डायरेक्ट एलसीएम कब लेंगे, जब डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जा रहा हो। ठीक है, यस आर नो। तो यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते बेटा। करे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको ए और बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से क्या करोगे, सिंपल सा है। यहाँ पे देखो इन दोनों में कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसे कि मैंने हम लोगों ने यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट एलसीएम लोगे, 3 प्लस का रूट 5 इंटू 3 माइनस का रूट 5, डायरेक्ट एलसीएम लिया। तो देखो रूट 3 प्लस रूट 5 से 3 प्लस रूट 5 कैंसिल, क्या बचेगा, 3 माइनस का रूट 5। अब ये 7 प्लस का 3 रूट 5 है, और ये कैलकुलेशन देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे है, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन टफ पे मत जाइएगा। 7 माइनस का 3 रूट 5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 प्लस का रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन से बेटा मत घबराइएगा, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट कोई मुश्किल काम नहीं है। ए प्लस का रूट 5 इंटू बी, अब क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है ना, क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करना है। 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट को 7 3 जा 21, ध्यान से देखिएगा, 7 3 जा 21 माइनस 7 रूट 5। ठीक है, दिमाग चलाते रहिए। एंड यहाँ पे क्या होगा, 3 3 3 जा 9 रूट 5 माइनस 3 से इसको इससे मल्टीप्लाई करो, रूट 5 इंटू रूट 5 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15 आ जाएगा। ठीक है, ये वन ब्रैकेट की वैल्यू हो गई। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में 7 3 जा 21 और 7 रूट 5 एंड 3 3 जा 9 रूट 5 एंड 3 5 जा 15, ये माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, अपान में क्या होगा बेटा, अपान में क्या होगा, अपान में 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक है, ये डायरेक्टली चीज़ें कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, रूट 5 इंटू बी आ जाएगा। क्लियर है बात, यस आर नो। इतनी सी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, चाहे आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तब बाद में कैंसिल करिए, चाहे जैसे कर लीजिए। ठीक है, तो 7 21 यहाँ पे है, चलो सिंप्लीफिकेशन कर ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लेंथी करने से कोई मतलब नहीं है, है ना। तो यहाँ पे देखो 21 पॉजिटिव 15 नेगेटिव, 21 में से 15 निकाल दो कितना बचेगा, 15 प्लस का 6 मतलब प्लस का 6 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 7 है प्लस का 9 है, कितना बचेगा, 2 रूट 5 बचेगा, यस आर नो, 2 रूट 5 बचेगा। अपान में कितना आएगा, अपान में आ जाएगा 9 माइनस का 4, दैट इज 9 माइनस का 5 4 आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू हो गई, अपान में क्योंकि पूरा 4 है ना, ये अभी फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू हो गई। दूसरे में क्या बचेगा देखते हैं, माइनस का साइन लगा दिया, 21 माइनस का 15 क्या आएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का प्लस का 7 माइनस का 9 माइनस का 2 बचेगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए प्लस का बी रूट 5 बचा, यस आर नो। क्लियर है बात, कंफर्म। आप देखो यहाँ से क्या होगा, तो 6 प्लस का 2 रूट 5 माइनस का 6 और प्लस का 2 रूट 5 अपान में 4 इज इक्वल टू ए प्लस का बी रूट 5। ठीक है, यहाँ से 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा 6 से 6 कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा बेटा, 2 प्लस का 2 4 रूट 5 बचेगा अपान में 4। तो इत्तेफाक से 4 से 4 भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5 बी रूट 5। कंपेयर कर दोगे और जैसे इक्वेट करोगे ना, इक्वेटिंग बोथ साइड, तो इक्वेट करने पे क्या फ़ायदा होगा, आपको कंपेयर करना है, यहाँ पे रूट 5 दिख रहा है और कुछ है नहीं है, तो 0 प्लस समथिंग कर सकते हो, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 एंड बी की वैल्यू क्या आएगी, रूट 5 का कोफिशियंट 1 है, तो बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, ए इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। बात समझा नहीं आ रही, तो आपको बस सिंपल सा कैलकुलेशन करना, आफ्टर कैलकुलेशन जो आरएचएस का फॉर्मेट दे रखा था इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है रेशनल को रेशनल से एंड इरेशनल को इरेशनल से। ठीक है, और रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो गया था, यहाँ पे 5 हो गया था, यस आर नो।
मतलब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं? यस कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते बेटा। इसको सिंप्लीफाई करना है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वैल्यू लाना है। यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। बहुत ईजी है, हम लोग एल एच एस ले लेंगे और एल एच एस लेने के बाद डिनोमिनेटर से रूट को हटाएंगे। तो थ्री माइनस का रूट था, प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री माइनस का रूट एट है और यहाँ पे थ्री प्लस का रूट एट से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। माइनस सेकेंड टर्म क्या है, रूट एट प्लस का रूट सेवन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अपॉन में बेटा फार्मूला बनेगा, आपको याद आ रहा होगा कि हाँ डिनोमिनेटर से कुल मिला करके यहाँ पे क्वेश्चन को रेशनलाइज करना है। हाँ या ना, क्वेश्चन को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। और प्लस माइनस का बहुत ही ध्यान देना है, रूट सेवन माइनस का रूट सिक्स अपॉन रूट सेवन माइनस का रूट सिक्स इंटू, यहाँ पे माइनस दे रखा तो प्लस से करना है, रूट सेवन और प्लस का रूट सिक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे सिक्स वाले में क्या करोगे, माइनस का साइन लगा, माइनस लगा दो, एंड रूट सिक्स प्लस का रूट फाइव अपॉन में रूट सिक्स माइनस का रूट फाइव इंटू रूट सिक्स एंड प्लस का रूट फाइव। ठीक है, एक स्टेप और लास्ट वाला टर्म और बचा होगा, कौन सा, फाइव वाला। तो फाइव वाले में क्या होगा, प्लस का यहाँ पे रूट फाइव माइनस का टू है तो प्लस का टू हो जाएगा। अपॉन में क्या करोगे बेटा, अपॉन में क्या करना है, अपॉन में आपको क्या करना है, अपॉन में रूट फाइव माइनस का टू एंड रूट फाइव प्लस का टू इंटू रूट फाइव, ये तो हो ही गया। ठीक है, अब देखो इन अ न्यूमरेटर नो चेंज, न्यूमरेटर में कोई भी चेंजेस होगा, नहीं होगा। डिनोमिनेटर में चेंजेस हो सकता है, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, ये बेटा फार्मूला लग गया, a माइनस बी एंड a प्लस का b, क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, या सर नो थ्री का स्क्वायर नाइन और रूट का स्क्वायर रूट एट का स्क्वायर एट आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करना है, रूट एट प्लस का रूट सेवन, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि माइनस लगा हुआ है, रूट एट का स्क्वायर एट आएगा, रूट सेवन का स्क्वायर सेवन आ जाएगा। ठीक है, प्लस रूट सेवन प्लस का रूट सिक्स अपान रूट सेवन का स्क्वायर सेवन, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स आ जाएगा। माइनस अब रूट सिक्स प्लस का रूट फाइव अपान में रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, फाइव का स्क्वायर फाइव आ जाएगा, एंड रूट फाइव रूट फाइव एंड प्लस का रूट ए टू ऐसे रहेगा, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा। यस आर नो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, थ्री प्लस का रूट एट एंड माइनस ऑफ रूट एट प्लस का रूट सेवन, रूट एट प्लस का रूट सेवन एंड प्लस का रूट सेवन प्लस का रूट सिक्स। ठीक है, माइनस ऑफ रूट सिक्स प्लस का रूट फाइव एंड प्लस ऑफ रूट फाइव प्लस का रूट फाइव प्लस का टू। ऐसा क्योंकि डिनोमिनेटर में सब जगह वन है, यहाँ पे नाइन माइनस एट वन, एट माइनस सेवन वन, सेवन माइनस सिक्स वन, सिक्स माइनस फाइव वन, फोर फाइव माइनस का फोर वन, सब जगह वन आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि बेटा माइनस साइन है, माइनस साइन पे माइनस, अगर बाइनोमियल टर्म है और उसके पहले माइनस साइन है तो ब्रैकेट जरूर यूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। तो थ्री प्लस का रूट एट, ये रूट एट है, एंड माइनस का रूट एट माइनस का रूट सेवन, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, ब्रैकेट ओपन है तो कुछ ऐसा आ गया, एंड प्लस का सेवन प्लस का रूट सिक्स आ जाएगा, माइनस का रूट सिक्स एंड माइनस का रूट फाइव आ जाएगा, एंड प्लस का रूट फाइव प्लस का टू आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैंसिलेशन, प्लस रूट फाइव माइनस रूट फाइव, माइनस रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स, प्लस रूट सेवन माइनस रूट सेवन, प्लस माइनस रूट एट प्लस रूट एट। तो यहाँ पे पहले में बचा थ्री, यहाँ लास्ट में बचा दो, कितना आएगा, टू प्लस का थ्री फाइव, दिस इज द फाइनल आंसर। यस आर नो, बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, कन्फर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है और यहाँ पे सिंगल टर्म दे रखा है, फोर प्लस का थ्री रूट फाइव एंड फोर माइनस का थ्री रूट फाइव इज इक्वल टू ए प्लस का बी रूट थ्री, ये दे रखा है। तो यहाँ से क्या करोगे कि एल एच एस में जो भी वैल्यू दे रखी, आपका मेन काम वही है, डिनोमिनेटर से रूट को रिड्यूस करना है, डिनोमिनेटर से रूट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रूट को रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे, ये माइनस है तो प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, प्लस के नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। यस आर नो, इन अ न्यूमरेटर क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बस इतनी सी बात है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फोर का स्क्वायर माइनस थ्री रूट फाइव, थ्री रूट फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री का स्क्वायर।
ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यस आर नो? अब देखो इना न्यूमरेटर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45, 2ab 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, √5 आ जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर फार्मूले का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, लाइक दिस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अपॉन में क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45 = ए प्लस का बी √3 आ जाएगा, यस आर नो? इतनी बात की बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर है बात? अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बेटा और करना है, 16 प्लस 60 45, 6 प्लस का 5 11, 5 4 प्लस का 1 5 5 1 6 एंड प्लस 24 अपॉन में रूट, ये 24 √5 अपॉन में क्या आएगा, 45 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करो तो 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 3 में से बन जाएगा 2, 29 बचेगा, कितना बचेगा 29 और माइनस का 29 इसके भी नीचे कर दिया और इसके नीचे कर दिया, ऐसे फ़ायदा क्या है, कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, यस आर नो? ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं? ओके, आप देखो इक्वेट करेंगे तो देखो यहाँ से ए है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस आ जाएगी, तो ए इक्वल टू 61 अपॉन माइनस 29 एंड बी इक्वल टू क्या आएगा, 24 अपॉन माइनस का 29 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट थ्री का कोफिशियंट भी है, यहाँ पे रूट थ्री का कोफिशियंट क्या है, √3 कि √5 है, जो भी होगा सेम ही वैल्यू होगी, ठीक है, हाँ यहाँ पे भी √5 है, ओके, इसको करेक्ट कर लीजिए, दिस इज अ 5 नॉट √3, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी आपका 5 है और ये भी 5 है, तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, √5 को कोफिशियंट भी है, यहाँ पे √5 को कोफिशियंट 24 अपॉन माइनस का 29, ये 61 अपॉन माइनस का 29, यस आर नो? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ओके, थैंक यू।